चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की, जहां एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि आज जांच कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है सामने। ससुर की शिकायत पर कमेटी गठित की गई थी, जिला कलेक्टर के आदेश पर यह कमेटी की गठित की गई थी जिसने मौत की जांच की है और आज रिपोर्ट सौंपने का दिन आ चुका है। वसुंधरा अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया गया था। अधिक एनेस्थीसिया यानी कि जो बेहोश करने वाली दवा होती है उसके डोज ज्यादा देने के बाद से खून बहने लगे थे। ये बताया जा रहा है कि ब्रेन डेड हो गया था, शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर दिए थे, ये आरोप फैमिली की तरफ से लगाया गया था, जिसके बाद कलेक्टर के बाद से ये कमेटी गठित की गई थी और आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस कमेटी के द्वारा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। आज जांच सौंपने का दिन है, चंद्रशेखर जो रिपोर्ट है जांच के बाद। जी अगर बात करें तो जिस तरह से आरएएस प्रियंका बिश्नोई की जो इलाज के दौरान स्थिति गंभीर हुई थी, वसुंधरा अस्पताल में उसने जो बच्चेदानी में एक गांठ का ऑपरेशन करवाया था उसके बाद वो कभी हौसले नहीं आई थी। दरअसल परिजनों का आरोप था कि जब इलाज किया जा रहा था, जब ऑपरेशन किया गया, इस दौरान जो है एनेस्थीसिया अधिक दिया गया, चलते रक्तस्राव ज्यादा हुआ और उनके कारण जो है उनकी स्थिति गंभीर हुई है। इस शिकायत के बाद जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक जांच कमेटी गठित करने का आदेश मेडिकल कॉलेज को दिया था, जिसके बाद 5 विशेष विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई थी जिसे 3 दिन में जो है रिपोर्ट पेश करनी थी। हालांकि कल कमेटी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई, लेकिन आज यह जो आशा जताई जा रही है कि आज जो है रिपोर्ट पेश सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चिकित्सा विधि है उसमें यह नियम है कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ FIR या किसी अस्पताल के खिलाफ FIR किए जाने से पहले एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो जांच करने के बाद यदि उसमें कोई लैकुना पाई जाती है तो FIR दर्ज की जा सकती है। कल बिश्नोई समाज ने जो एम्स के बाहर प्रदर्शन किया था, उनकी मांग थी कि संबंधित डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इस बात पर ही जो समझाइश जो है प्रशासन द्वारा की गई थी कि कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है उनके जो पूरी सत्यता के साथ जांच की जाएगी और उनके मौत के कारणों को सामने लाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो जो कमेटी गठित की गई थी वो आज जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आरएस प्रियंका की मौत पर बिश्नोई समाज ने भरी हुंकार, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा परिवार, लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है दरकार। तस्वीर उस आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की है जिनकी मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और उनसे प्रेरित होने वाले नौजवानों को सन्न कर दिया है। वैसे तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं, लेकिन ये वो मौत है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन है वो FIR नहीं लिख रहा है और न ही न्याय मिल रहा है, तो प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये जो यहाँ लोग आए हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईमानदार अफसर जिन्होंने लोगों के साथ न्याय किया, आज वो खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके परिवारजन न्याय की भीख मांग रहे हैं। तमाम मुश्किलों को चीर कर अपनी राह बनाने वाली प्रियंका बिश्नोई का इस तरह चले जाना अगर किसी को नहीं पच रहा है तो इसकी ठोस वजह है। प्रियंका एक साधारण परिवार से थी और 2016 में आरएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ा। मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल गई। 5 सितंबर को डॉक्टर्स ने बिना किसी जांच के ही एक दिन में ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि एक दिन का समय है, वन डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला, परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई,
और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने प्रियंका की मौत की जाँच CBI से कराने की मांग की है। देवेंद्र ने कहा, प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए हम CBI जाँच की मांग करते हैं। साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज भंडाफोड़ हो गया है। विश्वी समाज इसको, इस बच्ची को, इस SDM को, इस होनहार लाडली विश्वी समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और CBI जांच की मांग कर रहा है। वैसे जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल पर लापरवाही के आरोप के बाद ही जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। SN मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं, उनको निर्देशित किया है कि आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मेडिकल टीम बनाएं और उसके थ्रू जो है इसकी प्रकरण में जांच कराएं कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है या नहीं। उनको हमने 3 दिवस का टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो 3 दिवस जो है कल कम्प्लीट होंगे, तो तब हमारे को ये रिपोर्ट मिलेगी। उसके अनुरूप ही रिपोर्ट के अंदर जो आता है तदनुसार आगे की कार्रवाई की। गुरुवार को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब जांच चल ही रही है तो फिर FIR दर्ज कर जांच करने में हर्ज क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज कलेक्टर साहब वो जांच सामने लाए, और जांच अगर कलेक्टर साहब अपने स्तर से जांच करा रहे हैं तो परिजन FIR दर्ज करा के जाँच कराना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। बिश्नोई समाज धरने पर बैठा है, दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सभी को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।